देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद क्रूड ऑयल ने 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल का स्तर पार कर लिया था, लेकिन इतने पर भी इसका उबाल ठंडा नहीं पड़ा। कई देशों ने इससे बचने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का सहारा लिया, बावजूद क्रूड ऑयल चढ़ता जा रहा है। बुधवार को ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के भी पार निकल गया। इसके चलते भारत में जल्दी ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो पेट्रोल की कीमतों में आने वाले दिनों में 30 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के चलते पिछले दिनों क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल 2 दिसंबर 2021 को $70 के आसपास था, लेकिन अभी यह $110 प्रति बैरल के पार निकल चुका है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 2 दिसंबर के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने 1 दिसंबर को डीजल और पेट्रोल पर वैट में कटौती की थी, उसके बाद से दिल्ली में डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब से अब तक क्रूड 57% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। इसके बाद भी घरेलू बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बदले गए। मौजूदा नीति के हिसाब से सरकारी तेल कंपनियां क्रूड ऑयल की वैश्विक कीमतों के अनुसार डीजल पेट्रोल की खुदरा दरों में बदलाव करती रही हैं। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जा रही, हालांकि इसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया। अब इस बात की आशंका है कि जैसे ही 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान होगा, सरकारी तेल कंपनियां तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने लगेंगी। आपको बताते चलें कि करीब 3 महीने पहले देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के भाव 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को भी पार कर गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर 2021 को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद कई राज्यों ने भी वैट में कटौती की थी। इससे आम लोगों को रिकॉर्ड महंगे डीजल पेट्रोल से राहत मिली थी, हालांकि अब यह बहुत दिनों तक नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के दाम दिसंबर से बढ़े हैं, अगर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम उसी तरह बढ़ाए तो जल्द ही इसमें 30 रुपए से ज़्यादा की तेजी देखी जा सकती है। अभी पेट्रोल का दाम दिसंबर में 2 दिसंबर से 95.41 रुपये था, जबकि नवंबर में केंद्र सरकार ने एक्साइज में कटौती की थी, तब क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल के आसपास था। इस तरह नवंबर की तुलना में अभी क्रूड ऑयल करीब 35% महंगा हो चुका है। इस हिसाब से तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो जल्द ही इनकी खुदरा कीमतें नया रिकॉर्ड बना सकती हैं।